हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये कंपनीज एक्ट 2013 का वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 140 पर है। यस, सेक्शन 140 विच टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, एंड दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू योर स्पेसिफिक चैप्टर विच इज स्पेसिफिकली ऑडिट एंड ऑडिटर्स, राइट? जो आपका स्पेसिफिक ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर है विच कम्स फ्रॉम सेक्शन 139 to 148 कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10। सो चैप्टर 10 कंपनीज एक्ट सेक्शन 139 से 148, जिसके अंदर सेक्शन 140 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। क्लियर है ना? इसके पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको ये एक चीज क्लियर कर दूं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन 140 में, देयर आर फाइव सब सेक्शंस। नाउ सबसेक्शन 2 and 3, ओके, सबसेक्शन 2 and 3 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन, ओके, एंड सेक्शन मतलब सबसेक्शन 1, 4 and 5 टॉक्स अबाउट रिमूवल। तो पहले आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में देर आर फाइव सब सेक्शंस, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 and 5, जिसके अंदर सबसेक्शन 1, 4 और 5 रिमूवल है। अगर मैं और भी इनडेप्थ पहले बताऊं तो ये सबसेक्शन जो 1 है, इट इज रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। सबसेक्शन 4 इज रिमूवल एट एक्सपायरी ऑफ टर्म, एंड सबसेक्शन 5 इज रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो पहले ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि सेक्शन 140 में 5 सबसेक्शंस हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली 2 सबसेक्शंस, 2 और 3 रेजिग्नेशन पर है और बाकी के 3 सबसेक्शंस रिमूवल पर है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? पक्का? चलिए तो मैं बढ़ जाऊं आगे। अब सबसे पहले हम लोग रिमूवल पर डिस्कस करेंगे। किस पे बात करेंगे? रिमूवल पर डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। अब जब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब आपको मालूम है कि एक ऑडिटर का 5 ईयर्स का टर्म होता है, और अब उस 5 ईयर्स का टर्म खत्म होने से पहले कंपनी चाहती है कि हम ऑडिटर को निकाल दें, तो पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको इसके लिए तो स्पेशल नोटिस लगेगा, और स्पेशल नोटिस मिलने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीट लेंगे जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ऑडिटर को निकालना है या नहीं निकालना। हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को 3-स्टेप प्रोसेस कहते हैं या 3-स्टेप एक्शन कहते हैं। अगर ये तीनों ही स्टेप्स बराबर से पार हो जाती है तो फिर आप एक ऑडिटर को अपनी टर्म खत्म होने से पहले निकाल सकते हैं। वो ऑडिटर इंडिविजुअल हो तो भी चलेगा, और अगर वो एक ऑडिटर फर्म है तो भी यही सेम रूल एप्लीकेबल होगा। मेरा बोलने का ये अर्थ है कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑल्सो अ फर्म विच इज एन ऑडिटर। और यहां पर जैसे मैंने आपको कहा 3-स्टेप एक्शन फॉलो करना है, तो वो क्या एक्शन है? जैसे ही बोर्ड अपना मीटिंग में डिसाइड कर लेता है, दे विल पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दैट्स द फर्स्ट स्टेप के ओके, वी हैव डिसाइडेड वी विल रिमूव द ऑडिटर। नाउ एज सून एज एन ऑडिटर्स रेजोल्यूशन इज पास्ड, स्टेप 2 सेज विद इन 30 डेज। कहां से? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होने से 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू अप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच फॉर्म, फॉर्म ADT2। फॉर्म ADT2 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है
स्टेटिंग ऑल द डिटेल्स एंड सो एंड सो कि हमें ये ऑडिटर को निकालना है। अब एक्ट में ये नहीं लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक रिप्लाई करेगी। एक्ट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी रिप्लाई करे, उनके रिप्लाई आने से 60 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेटिंग कि हम ऑडिटर को निकाल रहे हैं। वी कंफर्म टू दैट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहां पर मैंने स्पेसिफिकली प्रीवियस अप्रूवल क्यों लिखा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मेंबर्स ने अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास भी कर दिया और आपने साथ में एडीटी फॉर्म नंबर एडीटी 2 में आपने सीजी को अप्लाई भी कर दिया और मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास भी कर दिया और रेजोल्यूशन पास करने के बाद वैसे भी सीजी से अप्रूवल आ गया कि ओके आप अपने ऑडिटर को निकाल सकते हैं, तो क्या ये वैलिड है? तो काफी स्टूडेंट्स एग्जाम में लिख देते हैं कि हाँ ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना अप्रूवल दे दिया है, मेंबर्स ने भी रेजोल्यूशन पास कर लिया है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, वैसे भी तीनों स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं, तो भाई सब ओके है, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल गलत। यहां पर रूल पहले स्पेसिफिकली कहता है कि मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल नहीं आ जाता। इसीलिए मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पेसिफिकली अलग अलग कलर ऑफ पेन्स यूज किया है, ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, और यहां पर मैंने येलो में हाईलाइट करा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब तक अप्रूवल नहीं आता, मेंबर 60 डेज मेंबर जो है वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाए वहां से 60 डेज के अंदर मेंबर शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेटिंग दैट यस वी कंफर्म वी गिव द परमिशन टू रिमूव द ऑडिटर। क्लियर है? तो क्या सबको सेक्शन 140 की सब सेक्शन 1 में जो तीन स्टेप एक्शन है ये पूरी तरह से क्लियर हो गई? पक्का। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आपको ये पता है कि जब भी हम ऑर्डर को निकालें, गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपनी बात रखने का भी मौका देना चाहिए। क्लियर है? अब हम सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 की तरफ देखेंगे जो कि है रिमूवल एट एक्सपायरी। रिमूवल एट एक्सपायरी का मतलब है 5 years हो चुके हैं और अब आप उसे निकालना चाहते हैं। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, और ये जो मैं वाक्य कहना वाला हूं इसको समझने के लिए आप, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपका सेक्शन 139 एकदम क्लियर है, आपको सेक्शन 139 पता है। मैं वो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 कॉमन सेंस विल ओनली बी एप्लीकेबल टू अ फर्म हु इज एन ऑडिटर। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ऐसे भी नॉट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल ऑडिटर बिकॉज वैसे भी इंडिविजुअल ऑडिटर इज एलिजिबल फॉर ओनली वन टर्म ऑफ 5 years। अरे यस और नो? तो वैसे भी अगर एक इंडिविजुअल ने अपनी 5 years की टर्म कंप्लीट कर ली है तो वो वैसे भी दूसरी टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। जबकि वो एलिजिबल ही नहीं है, आप उसे क्या रिमूव कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? रिमूवल एट एक्सपायरी ऑफ टर्म किसका हो सकता है? ओनली एक ऐसा ऑडिटर जो कि एक फर्म है, बिकॉज हमें पता है कि अ फर्म इज एलिजिबल फॉर कंसेक्यूटिव 2 terms ऑफ 5 years each। तो ऐसा हो सकता है कि एक टर्म ऑफ 5 years हो गया और अब आप नहीं चाहते कि वो दूसरी 5 years की टर्म के लिए कंटिन्यू करे, और उसके लिए यहां पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 सारी बातें कहता है। आई होप ये बात पहले क्लियर है। मैं पहले यहां पर आपको चाहिए तो येलो में हाईलाइट कर दे रहा हूं कि ये सेक्शन कॉमन सेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ऑडिटर जो कि एक फर्म है उसको ही लागू होगा, इंडिविजुअल को नहीं होगा, बिकॉज इंडिविजुअल तो वैसे भी एक ही टर्म के लिए एलिजिबल है, एक टर्म होने के बाद तो वो वैसे भी डिस्क्वालिफाइड है, तो वो क्या, उसको आप क्या रिमूव करोगे? यस और नो? नाउ रिमूविंग एन ऑडिटर मतलब ऑब्वियसली अपॉइंटिंग अनदर ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग वन। जैसे मैंने आपको कहा, इसके लिए आपको पहले स्पेशल नोटिस लगेगी और आपको ये नोटिस ऑडिटर को भी देनी है, उसे भी बताना है कि देख भैया हम ऐसा ऐसा डिसाइड कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रोसीड विथ। नाउ व्हेनेवर सच थिंग हैपेंस, ऑडिटर हैज अ राइट टू रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर के पास एक अधिकार है कि वो अपनी बात भी सबके सामने रख सकता है।
नॉर्मली आप थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट ये राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक तरह से इमोशनल अत्याचार होता है, जहां पर ऑडिटर अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि जब तक मैं आपका ऑडिटर था, मैंने कितने सारे वीक इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव किए, कितने ज्यादा ऐसे सजेशंस दिए जिससे कंपनी ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। एक तरह से द ऑडिटर ट्राइज एंड यू नो फोर्सेस कि भाई देखो आप देख लो, आप मुझे रिमूव कर रहे हो तो ये आपका नुकसान है, हमारा नहीं। आई होप यू गॉट दिस राइट। सो ऑडिटर के पास एक तरह का राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑडिटर ये राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में कंपनी को भेजेगा और कंपनी नोटिस के साथ सारे शेयर होल्डर्स को ये भेज देगा, जिससे सारे ही शेयर होल्डर्स को पता चले कि ऑडिटर को इस बारे में क्या कहना है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक तो ऑडिटर इसे लेट सबमिट करता है कंपनी में, या तो सही से सबमिट करने के बाद भी कंपनी भूल जाती है सबको भेजने के लिए। अब आप समझ सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कंपनी कहती है अरे सॉरी, हम आपका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नोटिस के साथ भेजना ही भूल गए। वो अनइंटेंशनल हो सकता है, इंटेंशनल हो सकता है, रूल कहता है अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। उस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एजीएम में सबके सामने रीड भी किया जाएगा। यस, इट विल बी रेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन एजीएम। बट द रूल सेज अगर कंपनी को या किसी व्यक्ति को लगता है कि ये जो ऑडिटर की राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसे कैंसिल किया जाए, इसे कैंसिल किया जाए क्योंकि हो सकता है ऑडिटर इसे फॉर डिफोमेटरी मैटर्स इसका गलत यूज कर रहा है, हो सकता है उस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से वो कंपनी की कोई वीकनेस को एक्सपोज कर दे जिससे कंप्यूटर उसका फायदा उठा लें, या वो उस पर्टिकुलर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से किसी व्यक्ति को डैमेज हो सकता है, तो कंपनी ये अप्लाई कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है तो इस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को कैंसिल किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली ऑडिटर को मीटिंग में आने से नहीं रोका जा सकता, ऑडिटर मीटिंग में तो आएगा ही आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो आप ऑडिटर की राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैंसिल कर सकते हो अगर सीजी इसके लिए अप्रूव करे, लेकिन ऑडिटर को मीटिंग में आने से नहीं रोक सकते। क्या ये यहां तक क्लियर हो गया? तो दो सेक्शंस को मेरे को 12 से 15 मिनट लगे समझने में, लेकिन इट इज वर्थ इट। आप देख सकते हैं कि यहां पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 विच इज बिफोर एक्सपायरी, और यहां पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 विच इज एट एक्सपायरी का चार्ट बना के दिया है। मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज कर आप भी अपने बुक्स में ये पूरा चार्ट बना सकते हैं। अब सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली स्टेट्स रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के द्वारा निकालने पर। और ये कब होता है? पहली बात रूल कहता है, एक तो ट्राइब्यूनल को सुओ मोटो पता चला है कि ऑडिटर ने कोई गड़बड़ करी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल को बताया है कि देखो भाई यहां पर हमें फ्रॉड पता चला है, या कोई एनी अदर एग्रीव पर्सन ने ट्राइब्यूनल को बताया गया है। क्या बताया है? ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई फ्रॉड किया है, या किसी के साथ, कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर कोई फ्रॉड किया है, कंपनी रिलेटेड कोई फ्रॉड किया गया है। और इसका एक तो सुओ मोटो मतलब ट्राइब्यूनल को खुद से पता चला हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हो, या किसी और ने बोला हो। रूल कहता है अगर ट्राइब्यूनल को सब सही लगता है तो इट कैन डायरेक्ट द कंपनी, इट कैन ऑर्डर द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर। स्पेसिफिकली रूल कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल को यह बताया हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह शिकायत आई हो, तो फिर ट्राइब्यूनल 15 डेज के अंदर एप्लीकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है 15 डेज के अंदर ये ऑर्डर पास कर देगा कि ऑडिटर को तुरंत निकाला जाए और दूसरे किसी को अपॉइंट किया जाए। ये इतना खतरनाक है गाइस कि अगर एक ऑडिटर ट्राइब्यूनल के द्वारा निकाला जाता है तो फिर वो ऑडिटर इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब एक तरह से आपके ऊपर 5 साल का ग्रहण लग चुका है, अब आप किसी के भी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर 5 years। बट ऑब्वियसली अगर आपके कोई दूसरे एग्जिस्टिंग ऑडिट चल रहे हैं दूसरे किसी कंपनी के, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। कहां तक कंटिन्यू कर पाओगे? जब तक आपकी रिअपॉइंटमेंट ड्यू नहीं हो जाती। Is this clear, everybody? Sure about this? So I hope आपको समझ में आया section 140 subsection 5 removal by tribunal। यहां पर हमने 3 subsections जो removal के थे वो सारे खत्म किए। Clear है? Sure about this? अब हम देखेंगे section 140 का subsection 2 और 3 जो specifically resignation of auditor पर बात करता है। Yes,
सबसेक्शन टू बात करेगा रेजिग्नेशन पर, और सबसेक्शन थ्री हम देखेंगे बात करेगा कि आपने अगर जो सेक्शन सबसेक्शन टू में कहा है वो फॉलो नहीं किया तो आप पर क्या पेनल्टी लग सकती है। क्लियर है? तो अब ऑडिटर अगर चाहे तो वो खुद भी रिजाइन हो सकता है। ये सेक्शन पहले तो ये क्लियर होता है आपको, अब तक ये समझ में आ गया होगा कि भले ही एक ऑडिटर 5 years के लिए अपॉइंट होता है लेकिन ऑडिटर के पास भी अधिकार है कि अगर वो छोड़कर जाना चाहे तो छोड़ सकता है, और कंपनी के पास भी ऑप्शन है कि अगर वो ऑडिटर को निकालना चाहे तो वो निकाल सकती है। मतलब कंपनी के पास भी रिमूवल पावर्स हैं और ऑडिटर के पास भी रेजिग्नेशन के पावर्स हैं। अब सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर ऑडिटर को रिजाइन करना हो तो वो कर सकता है, लेकिन रिजाइन करने के क्या रीजंस हैं, क्यों रिजाइन किया, ये आपको 30 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको मेंबर्स और आरओसी को बताना है कि आपने क्यों छोड़ा, और अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको 3 लोगों को बताना है, मेंबर और आरओसी, और उसके साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी बताना है। कौन से फॉर्म में बताना है? फॉर्म ADT 3। क्या ये पूरा एकदम क्लियर है? द ओनली थिंग दैट सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट इफ यू रिजाइन, ऑब्वियसली इट्स योर राइट, यू कैन रिजाइन, बट यू हैव टू स्टेट द रीजन व्हाई आर यू रिजाइनिंग। अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो 2 लोगों को बताना है, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो 3 लोगों को बताना है, जिसमें मेंबर और आरओसी तो सेम है, बट अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी आपके रीजन ऑफ रेजिग्नेशन बताना है। हमने फॉर्म की बात कर ली है ADT 3 में। अब मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूं, बहुत पहले इसमें रूल ऐसा था कि अगर आपने रीजंस नहीं बताए 30 डेज के, अगर आपने रीजंस नहीं स्टेट किए तो आप पर पेनल्टी है मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 lakhs। दैट वाज द पेनल्टी, मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 lakhs। बट नाउ आई वुड लाइक टू स्टेट दैट वाज ऑलरेडी बीन अमेंडेड, एंड द अमेंडमेंट पार्ट स्टेट्स दैट इफ यू सी द सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। मतलब क्या, अगर ऑडिटर 30 डेज के अंदर रीजन ऑफ रेजिग्नेशन नहीं बोलता तो अब उस पर पेनल्टी क्या है, देख सकते हैं अमेंडमेंट से पेनल्टी को चेंज कर दिया गया है। मिनिमम पेनल्टी पहले क्या थी 50,000, अब क्या है 50,000 और द रेम्यूनरेशन दैट द ऑडिटर रिसीव्स विच एवर इज लेस। Yes, this is the minimum penalty that has been stated now. मैं फिर से कह रहा हूं, पहले क्या था 50,000, that's it. अब क्या है 50,000 और an amount equal to remuneration, whichever is less. और अगर उसके बाद भी डिफॉल्ट होता है तो हर एक दिन का 500 रुपया, फॉर एवरी वन डे ऑफ डिफॉल्ट 500 rupees इज द पेनल्टी, और ये कब तक चलेगा, जब तक आप भी रीजन नहीं बताते, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 lakh rupees। आई होप यू गॉट कि क्या अमेंडमेंट हुआ है। पहले बहुत सिंपल सा था कि मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 lakh, और अब यहां पर पूरी तरह से पेनल्टी को चेंज कर दिया गया है। अब यहां पर कहा है कि मिनिमम आपका 50,000 या आपको उस कंपनी से जो रेम्यूनरेशन मिलता है विच एवर इज लेस, और उसके बाद भी पेनल्टी लगाने के बाद भी अगर आप रीजन नहीं बताते तो फॉर एवरी वन डे दैट यू डू नॉट डिस्क्लोज द रीजन 500 rupees विल बी लेविड ऑन यू, इट विल बी कंटिन्यू मैक्सिमम 5 lakh rupees तक। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर अंडर 20 मिनट्स आई कुड एक्सप्लेन यू सेक्शन 140 एंड उसके 5 sub sections। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि ओके दिस चार्ट्स हेल्प्स मी, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म दैट आई एम कमिंग अप विद अ न्यू बुक स्पेसिफिकली ऑन लॉ विच विल हैव अ सेपरेट चार्ट ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन। Most probably it will be released in the end week of December or first week of January. Let us see. But still, I hope aapko ye section samajh mein aa gaya. Koi doubts hai to aap comment section mein likh sakte hain. And I'll be more than happy to help you. Okay? So best of luck for your studies. Best of luck for your exams. Thank you guys. Bye-bye.